हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ इट इज़ ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग किरचॉफ्स लॉस। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो किरचॉफ्स लॉस के ऊपर बेस्ड है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। किसी पॉइंट पर आ करके मिलने वाले सभी करेंट्स का एलजेब्रिक सम जीरो होता है, या किसी भी पॉइंट से बाहर जाने वाले सभी करेंट्स का एलजेब्रिक सम जीरो होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट डी है जहाँ से करेंट्स आई वन, आई टू और आई थ्री बाहर जा रहे हैं, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री शुड बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इज़ व्हाट वी शैल बी यूजिंग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो बैटरीज है, यू कैन सी 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, एंड थ्री रेजिस्टर्स आर प्रोवाइडेड विथ रेजिस्टेंसेज वैल्यूज 5 ओम 15 ओम एंड 10 ओम। इसमें हमको क्या करना है, हमको इस सर्किट के अलग अलग ब्रांचेस में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जो पहला मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का, इसको हम लोग नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस बोल सकते हैं। तो नोडल मेथड, नोड जो होता है वो कोई भी पॉइंट होता है। जैसे आप सर्किट में देख लीजिए, पॉइंट ए बी सी या डी, किसी भी एक पॉइंट को आप ले लीजिए, वो एक नोड है, ठीक है। तो किसी भी एक नोड को आर्बिट्रेरली कोई भी पोटेंशियल वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट ए को आर्बिट्रेरली पोटेंशियल वैल्यू 10 वोल्ट असाइन किया। तो क्योंकि बैटरी जो है 10 वोल्ट की, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, पॉइंट ए हायर पोटेंशियल पर है, पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल पर है, तो अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो पॉइंट बी का पोटेंशियल ऑब्वियसली 0 वोल्ट होना चाहिए। और 5 वोल्ट बैटरी में आ जाते हैं तो 5 वोल्ट बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 10 वोल्ट है, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। उसके पोटेंशियल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट। क्यों 15 वोल्ट, क्योंकि सी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल का डिफरेंस 5 वोल्ट होना चाहिए, जो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट डी है, जो रेजिस्टर्स के दूसरे एंड्स का जंक्शन है, वहां का पोटेंशियल को हम लोग आर्बिट्रेरली वैल्यू एक्स असाइन करेंगे, ठीक है। और हम लोग मान रहे हैं कि डी से ए की तरफ करंट आई वन जा रहा है, डी से बी की तरफ करंट आई टू जा रहा है, डी से सी की तरफ करंट आई थ्री जा रहा है। तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब अगर हम निकालना चाहते हैं कि डी से ए की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो डी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि डी से ए की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑफ कोर्स डी हायर पोटेंशियल पर है, ए लोअर पोटेंशियल पर है, तो डी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, ये हो गया 15 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो करंट कैसे निकालते हैं, वी बाई आर, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो डी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस 10, ठीक है, उसको हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे V बाई आर, तो ये करंट निकल गया I1। उसी तरह से करंट I2 निकाल लेंगे, कैसे, तो रेजिस्टर 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा X माइनस 0, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, सो X माइनस 0 बाई 10, ये हो गया करंट I2। उसी तरह से करंट I3 हो गया X माइनस 15 बाई 5। तो ये जो तीनों करंट्स है I1, I2 और I3, इनका सम जीरो होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो एक्स माइनस 10 बाई 15 प्लस एक्स माइनस 15 बाई 10 प्लस एक्स माइनस 0 बाई 10 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट डी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 10 वोल्ट। करंट आई वन निकाल सकते हैं, आई कैसे निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर, वी पोटेंशियल डिफरेंस, डी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस 10, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 15 ओम, ये आएगा करंट I1। उसी तरह से करंट I2, X माइनस 0 बाई 10, उसी तरह से करंट I3, X माइनस 15 बाई 5। तो सभी करंट के वैल्यूज में हम लोग X का वैल्यू पुट कर देंगे 10 वोल्ट, तो वी गेट द रिजल्ट एज I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, I3 इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। तो I3 का जो वैल्यू आया है माइनस 1 एम्पियर, जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि हमने जो करंट का डायरेक्शन दिखाया है वो डी से सी की तरफ नहीं है, आई थ्री का डायरेक्शन वो सी से डी की तरफ है। तो हर बार आपको इसी तरह से कंक्लूजन निकालना है स्टूडेंट्स, अगर करंट का साइन आपको
डिफरेंट मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो आप अज्यूम करेंगे कि जो डायरेक्शन आपने ले रखा था करंट का, एक्चुअली वो डायरेक्शन नहीं है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. सो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल. आने वाले टाइम में भी, आने वाले सेशंस में भी हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम्स डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू.